भोजपुरी हीरोइनों के लिए आगे चलकर सिरदर्द बन सकती हैं चांदनी सिंह। जी हाँ, हम जो बोल रहे हैं जरा गौर कीजिए। भतार मिले भुलाए गए लुका, याद है आपको ये एल्बम? भाई भूल कैसे सकते हैं, यूट्यूब पे आजकल धमाल मचा रहा है ये एल्बम। वैसे इस एल्बम को निकले हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन जिस हिसाब से इस एल्बम को यूट्यूब पे व्यूज मिले हैं, वो अभी तक चांदनी सिंह के किसी भी एल्बम को नहीं मिले हैं। खुद चांदनी सिंह कहती है कि इस एल्बम के कारण लोग मुझे अब पहचानने लगे हैं। चलिए हम आगे आपके मुद्दे की बात करते हैं, क्यों ये आगे चलकर भोजपुरी हीरोइनों के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। अभी चांदनी सिंह छोटे मोटे एल्बम में नजर आती हैं, लेकिन भले ही वो एल्बम छोटा हो, उनके साथ काम करने वाला स्टार बड़ा है। खेसारी लाल यादव के साथ तो उनकी जोड़ी को पसंद किया जाता ही है, साथ ही साथ पवन सिंह के साथ भी इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है। वैसे इंडियन ब्यूटी को अच्छा खासा रिप्रेजेंट करती है चांदनी सिंह। छोटे मोटे एल्बम कर आज चांदनी सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ा नाम बनती जा रही हैं। फिल्म बॉस में इनकी पवन सिंह के साथ जोड़ी को लेकर जनता काफी एक्साइटेड है। अभी तक पवन सिंह के साथ एल्बम में या फिर ये फिल्मों के एक आध गानों में नजर आई हैं, जिसमें इन दोनों की केमिस्ट्री की लोगों ने खूब तारीफ की है। और चांदनी सिंह के साथ भी भोजपुरिया स्टार अपने आप को बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं। वैसे चांदनी सिंह का एक प्लस पॉइंट ये है कि इनका सभी के साथ जमता है, यानी कि आप कह सकते हैं ये पवन सिंह के साथ भी फिट बैठती हैं, खेसारी लाल यादव के साथ भी। और हाँ, अभी तक इन्होंने निरहुआ के साथ भले ही काम न किया हो, लेकिन आने वाले वक्त में काम कर सकती हैं। अब रितेश पांडे के साथ एक एल्बम में नजर आएंगी, एल्बम का नाम है लड़की धोखा देती है। वैसे तो आपको पता ही है एल्बमों के मामले में रितेश पांडे का कोई सानी नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। विवाह से पहले हमार रहलू जैसे सुपर डुपर हिट एल्बम दे चुके हैं रितेश पांडे। अब अगर फिल्म बॉस सुपर हिट होती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए चांदनी सिंह के दरवाजे खुल जाएंगे और डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों की लाइन उनके घर के सामने लग सकती है, क्योंकि वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई भी हीरोइन इन तीनों सुपरस्टार के साथ चल गई तो उनके करियर को बड़ा ही अच्छा माना जाता है। अगर फिल्म बॉस सुपरहिट होती है, जैसा कि पवन सिंह का रिकॉर्ड इस वक्त चल रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि बॉस को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि चांदनी सिंह का आने वाला करियर भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना धमाकेदार हो सकता है। तो हुई ना चांदनी सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइनों के लिए सबसे बड़े कॉम्पिटिटर। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।